हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएल धाकड़। हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ नॉलेज पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नर्सिंग व सीएचओ रिलेटेड सबसे सटीक व सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज की लेटेस्ट खबर यह है कि 2021 के बाद में भी जीएनएम कोर्स बंद नहीं होगा, ये कोर्स चालू रहेगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खुशखबरी है जो नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, जिनके बारहवीं में बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था, आर्ट्स या कोई अदर सब्जेक्ट से थे और वो नर्सिंग फील्ड में आना चाहते थे, नर्सिंग फील्ड में जॉब करना चाहते थे। उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, वो नर्सिंग फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग फील्ड में जीएनएम सबसे शॉर्ट कोर्स है, जिसको करने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पोस्टेड हो सकते हो और अच्छी खासी सैलरी पा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जीएनएम करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में जब से न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स लागू किए, तब से जीएनएम के लिए ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जीएनएम कोर्स बंद होगा, क्योंकि जीएनएम वालों से एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मांगने लग गए थे। तो फ्रेंड्स, ये जीएनएम करने वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। ये आज 26 नवंबर 2020 का सर्कुलर है, आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। यही सर्कुलर है जिसके तहत हेल्थ मिनिस्ट्री ने INC को बोला था कि अभी GNM कोर्स फिलहाल बंद नहीं कर सकते हैं, ये 2021 के बाद में भी चालू रहेगा, अभी बंद करने की कंडीशन में नहीं है। इस सर्कुलर की कॉपी नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी प्रति वीडियो बनाता रहूं, आप तक भेजता रहूं। जय हिंद, जय भारत।